टी20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया की पहली हार हुई है। साउथ अफ्रीका ने 5 विकेट से भारत को हरा दिया है। टीम इंडिया भले ही ये मैच हार गई हो, लेकिन इस बार का वर्ल्ड कप भारत ही जीतेगा। ये दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि एक संयोग ऐसा बन रहा है जो टीम इंडिया को विनर बनाएगा। चलिए इस बारे में आपको बताते हैं। दरअसल सबसे पहले रविवार को पर्थ में खेले गए दक्षिण अफ्रीका और भारत के मैच का हाल देख लेते हैं। इस मैच में भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 विकेट से पराजित होना पड़ा। पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में रविवार को एक मुकाबला खेला गया था, जिसमें पहले खेलते हुए टीम इंडिया ने 134 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे उसने 2 गेंद बाकी रहते साउथ अफ्रीका ने हासिल कर लिया। टीम इंडिया की हार से भले ही भारतीय फैंस निराश हो, लेकिन इस हार में एक ऐसी चीज छिपी है जो आपको खुश कर देगी। अगर इस संयोग सच साबित हो गया तो भारतीय टीम 2007 के बाद दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप पर कब्जा कर सकती है, यानी 15 साल का सूखा खत्म हो सकता है। दरअसल साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया की इस वर्ल्ड कप में पहली हार ने 2011 के वनडे वर्ल्ड कप की कहानी को रिपीट किया। 2011 में धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम चैंपियन बनने में कामयाब रही थी। इतिहास के पन्ने पलटे तो साल 2011 के वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ जीत हासिल की थी। उसके बाद भारत एक मैच भी नहीं हारा। 2011 के वर्ल्ड कप में खेले गए भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 50 ओवरों के मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 297 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे अफ्रीकी टीम ने 2 गेंद बाकी रहते 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस बार के भी टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने 2 गेंद बाकी रहते जीत हासिल की, यानी 2011 विश्व कप वाला संयोग एक बार फिर से बना। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि टीम इंडिया फिर से वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली है। अब ये देखना होगा कि भारतीय टीम किस हिसाब से अब इस मुकाबले में उतरती है। AFP टाइम्स की रिपोर्ट।